केंद्रीय बजट में ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए मात्र 1,000 रुपये मिलने पर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने चुटकी लेते हुए इसे प्रदेश के साथ मजाक करार दिया है। हमीरपुर में अभिषेक राणा ने आज के समय में प्रदेश और खासकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता से भेदभाव किया जा रहा है, जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। राणा ने कहा कि भाजपा ने वोट लेने के लिए डबल इंजन की सरकार का नारा दिया था और सांसद को बड़ा मंत्रालय भी मिला है, लेकिन बावजूद इसके रेल लाइन के लिए मात्र 1,000 रुपये बजट मिलना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अभिषेक राणा ने कहा कि देश का खजाना अनुराग ठाकुर के पास है, तब भी संसदीय क्षेत्र की रेल लाइन के लिए भद्दा मजाक किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि भाषणों में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन उत्तरी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में सारी पोल खुल रही है। देखिए, बहुत दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में नारा दिया था कि आप हमें वोट दीजिए और डबल इंजन की सरकार बनाइए, डबल रफ्तार से काम होंगे। और उसके बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल के लोगों को कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता हिमाचल के जो हैं वो केंद्र में उनको स्थान मिला, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो, वित्त मंत्रालय के तौर पर हो। और लोगों को आस थी कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी रेलवे को लेकर की गई थी, वो शायद अब समय आ गया है कि वो अमल होगा, धरातल पर उतरेंगे ये सारे प्रोजेक्ट। लेकिन आज जो रेलवे ने, विभाग ने अपने वेबसाइट पे ऑनलाइन डाला है, ये बहुत निराशाजनक है कि एक ऊँट के मुँह में जीरा डालने वाली बात है कि 1,000 रुपये हमीरपुर के लिए सैंक्शन किया गया। अगर आप विस्तार से पढ़ें तो अभी तक DPR भी मंजूर नहीं हुई पाई। और जब देश का जो खजाना है वो हमारे नेता के पास हो, उसके बावजूद हमारे अपने इलाके के साथ भेदभाव हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं मंडी को लेकर हो रही हैं कि 1,000 करोड़ रुपए जो है वो एयरपोर्ट के लिए सैंक्शन किया जाएगा, लेकिन जो हमारा अपना ये इलाका है जहां से वित्त मंत्रालय के जो जो राज्य वित्त मंत्री हैं हमारे, वो संबंध रखते हैं, वो अपने इलाके के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर बाकी क्षेत्रों के लिए, देश के अलग अलग कोनों के लिए इतने इतने प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन हो रहे हैं, तो आज हमीरपुर और अपने क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों? आज भारतीय जनता पार्टी को लोगों के सामने ये बताना होगा कि 1,000 रुपये से कितना बड़ा काम वो हमीरपुर रेल लाइन के लिए जो उन्होंने घोषणा की है वो कहाँ तक पहुँच सकती है। यहाँ पे तो एक हरी झंडी और डंडी आ सकती है 1,000 रुपये में। और मजाक किया गया है हमीरपुर के लोगों के साथ, भेदभाव किया जा रहा है। आज जब हमीरपुर की जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको सब कुछ दे दिया है, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आपके पास बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उसके बावजूद आप ये कहें कि हमीरपुर के लिए सिर्फ इतना ही काम हो सकता है। और भाषणों की बात की जाए तो बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया है हिमाचल के लिए, वो कर दिया है, आने वाले समय में ये कर दिया जाएगा, लेकिन जब धरातल पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी जा रही हैं, वेबसाइट्स देखी जा रही हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, तो नाम मात्र जो पैसा है वो इलाके के लिए सैंक्शन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता और खासकर हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उसके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। सब कुछ आज जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, लेकिन उसके बावजूद आज हमीरपुर की जनता को और हिमाचल की जनता को जो है वो निराशा हाथ लगी है। वहीं पंचायती राज चुनावों में भाजपा के प्रचंड बहुमत के दावों पर पलटवार करते हुए अभिषेक राणा ने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में डरा धमका भाजपा नेताओं ने काम किया और दबाव बनाकर चुनाव करवाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता इन सब चीजों का भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती से लोगों पर दबाव की राजनीति का आने वाले चुनावों में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार ज्यादा जीत कर आए हैं और कांग्रेस के ज्यादा लोग इन चुनावों में जीत कर आए हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है कोरोना काल से कि दो तरह के नियम जो है इस प्रदेश के अंदर लागू होते हैं। कानून व्यवस्था दो तरह की चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार से संबंधित लोग हैं उनके लिए अलग कानून है, और जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार से खिलाफ चल रहे हैं उनके लिए अलग कानून है। कोविड में भी हमने देखा कि जो आम लोग थे, अगर कहीं छोटी मोटी गलती या कोई उल्लंघना की जाती थी तो
तो उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे थे, विपक्ष के खिलाफ केस बनाए गए जो कि जनता की आवाज़ बुलंद करने का कार्य कर रही थी। और जो सरकार के लोग हैं, बड़े बड़े उन्होंने कार्यक्रम करे, उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने उल्लंघना करी नियमों की, कोविड के जो नियम थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार पंचायती राज के चुनाव में जो भाजपा समर्थित लोग थे, प्रशासन को सख्त तौर पे हिदायत थी कि आपने इनका काम करना है, किसी भी प्रकार से इन्हें जिताना है। क्रॉस वोटिंग भी आप लोगों ने देखी, लोगों को किस प्रकार से दबाया जा रहा था, और लोगों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बयान आए कि हमें ज़बरदस्ती जबरन जो है उठाया जा रहा है, लेकर जाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो कह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये जनता सब देख रही है, और आने वाले निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जो पंचायती राज के जो रुझान आए हैं, पंचायतों में बहुत सारे लोग कांग्रेस समर्थित लोग जीत कर आए हैं, नगर परिषद, BDC, इन पर अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के सरकार ने अफसरों के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास किया है, और जनता वो देख रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो चीज़ें जग जाहिर हो रही हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में विधानसभा में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, ज़बरदस्ती से जो लोग उठाए गए, दबाव बनाया गया, एम्प्लॉयज़ की बात हो चाहे आम व्यक्ति की बात हो, जगह जगह किसी एक जगह का उदाहरण नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग विधानसभाओं से ही उदाहरण उठकर आ रहे हैं, चाहे अखबारों के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और निश्चित तौर पे लोग और हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है। ये ज़बरदस्ती का जो स्वभाव और दो नियम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय चल रहे हैं इस सरकार के माध्यम से, आने वाले समय में हिमाचल की जनता, हिमाचल का मतदाता विधानसभा चुनाव में अच्छे तरीके से जो है सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। और इस बार भी जो हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, पूर्ण बहुमत से बहुत सारे लोग जो जीत कर आए हैं। अगर आप बारीकी से जाएंगे, चाहे BDC के चुनाव हो, जिला परिषद के हो, नगर परिषद से हो, एक दो वोटों की जो हार हुई है तो उसमें भी क्रॉस वोटिंग और जो लोगों को उठाने का काम, दबाव बनाने का काम, उस वजह से ये चीज़ें रही हैं। लेकिन अगर पूरे तरीके से मैप देखा जाए, आंकड़ा देखा जाए, तो कांग्रेस के ज़्यादातर लोग जो हैं प्रदेश में जीत कर आए हैं।